अस्सलाम वालेकुम कैसे हैं जी आप सब लोग अच्छा जी आज मैं नेक्स्ट की दो तो तरह की लिपस्टिक लेकर आई हूँ दोनों लिक्विड लिक, लिपस्टिक्स हैं उनका रिव्यू दूंगी कि कौन सी ज़्यादा बेहतर है किसकी कौन सी क्वालिटी है अच्छा एक इनकी पाउडर पफ है और एक इनकी एक्सेस है और इन दोनों में जो मैंने डिफरेंस फील किया है वो भी आपको बताऊँगी और ये किस तरह काम करती हैं अच्छा जी सबसे पहले तो हम इसकी इसकी बात करेंगे निक्स ले जेल एक्स एल प्रोफेशनल मेकअप होता है इनका और रीजनेबल भी होता है कंपेरेटिवली अदर मेकअप से जो हम इंटरनेशनली बाय करते हैं उसमें निक्स एक रीज़नेबल ब्रांड है पाकिस्तान में अवेलेबल है कहाँ से अवेलेबल है मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूँगी वहाँ से आप जाके देख लेंगे अच्छा जो इनकी ये वाले लिपस्टिक्स हैं लिक्विड ये इसके टोटल सिक्स शेड है जो मेरे पास शेड है वो है जी वार्म अप और वार्म अप का मैं आपको वो शेड अच्छी तरह स्वैच भी करके दिखा दूंगी ये इनकी मैट लिक्विड लिपस्टिक है और ये किस तरह आपकी स्किन पे काम करती है एशियन स्किन पे ये मैं बता दूंगी आपको अच्छा जी सबसे पहले तो मैं इसकी एक ज़बरदस्त सी क्वालिटी बताऊंगी कि ये आपको बहुत हैवी फील नहीं होती मोस्टली ब्रांड की लिपस्टिक आप अपने लिप्स पे अप्लाई करते हैं तो वो हैवी फील होती है ये इस तरह नहीं है बहुत इसका लाइट वेट सा टेक्सचर है और ये ज़्यादा टाइम नहीं लेती ड्राई होने में विद इन थर्टी सेकेंड ये ड्राई हो जाती है आपकी स्किन पर इसके अलावा ये ट्रांसफ़र प्रूफ नहीं है इवन आप कोई भी लंच या डिनर कर रहे हैं उसके बाद भी ये ट्रांसफ़र नहीं होती उतरती नहीं है अच्छा और पाकिस्तान में अगर आपको इसी लेवल की लिपस्टिक चाहिए तो फिर वो आपको मेबिलीन पे मिलेगी जो उनकी मेबिलीन स्टे मैट लिपस्टिक है वो इजीली मिल जाएंगी लेकिन ये क्वालिटी में फिर भी उससे बेस्ट है ठीक है अब यहाँ से हम आपको इसको ओपन करके दिखा देते हैं इस तरह का इसका एप्लीकेटर है बहुत ही अच्छा स्मूथ सा एप्लीकेटर है ठीक है ये वॉम अप शेड है इनका देखिए कितना खूबसूरत शेड है बिल्कुल भी ये ट्रांसफर प्रूफ नहीं है लॉन्ग लास्टिंग है अच्छा प्राइस में देखा जाए तो मेरे ख्याल में सिक्सटीन टू सेवनटीन हंड्रेड में आपको ये मिल जाएगी पाकिस्तान में ईजीली ये जी इसका अप शेड है यहाँ से आप देख ले टोटल इसके सिक्स शेड मेरे पास यही अवेलेबल था तो मैंने आपको इसका रिव्यू देने के लिए रख लिया अच्छा जी ये बहुत पिगमेंटेड है इतनी ज़्यादा पिगमेंटेड है कि आपको इजीली आप तो इस एप्लीकेटर से अपने शेप दे देते हैं लिप्स को और ये हर किसी के लिए लगाना बहुत इजी होता है अच्छा जी अब इसके बाद हम बात करेंगे इनके पाउडर पफ़ लिपस्टिक के बारे में जो इस ये पाउडर पफ़ है ये भी बहुत ही अच्छी है इसी तरह इसकी एप्लीकेशन है जिस तरह उसकी अच्छा इसका मैं एप्लीकेटर आपको दिखा दूँगी अच्छा ये मेरे लिए थोड़ा सा न्यूटा अच्छा पहले इसकी कार्डबोर्ड की पैकिंग होती है फिर ये इस तरह होता है इस तरह की शेप में अच्छा दोनों ही कलर बहुत ज़्यादा प्यारे हैं अच्छा इसकी जो 18 मंथ या 24 मंथ इनकी जो है वो शेल्फ़ लाइफ होती है अच्छा खासा टाइम होता है उसमें ये इजीली ख़त्म हो जाती हैं आपकी पैसे वेस्ट नहीं होते अच्छा यहाँ से मैं खोल के इसका एप्लीकेटर आपको दिखा दूँगी अच्छा इसका ना इस तरह का एप्लीकेटर है जो प्रोफेशनल यूज़ के लिए तो बहुत अच्छा है लेकिन जो आम लेडीज़ घर में इसको अगर यूज़ करना चाहे तो थोड़ी सी डिफ़िकल्टी होती है लेकिन फिर आप इसको सेट कर सकते हैं अच्छा सेट होने के लिए ये टाइम देता है इतनी जल्दी ड्राई नहीं होता अपने लिप पर आप इसको अप्लाई करें और इसको सेट करें अगर लिप ब्रश वग़ैरह से तो ये अच्छे से सेट हो जाता है थोड़े टाइम के बाद बिल्कुल ड्राई हो जाता है ये भी ट्रांसफ़र प्रूफ है ये भी लॉन्ग लास्टिंग है और इसमें तो बहुत ज़्यादा शेड्स और कलर अवेलेबल हैं अगर आप लगाना चाहें लेना चाहें तो इसका ये शेड है लेकिन जितना रिच इसका सेकंड जो फर्स्ट मैंने उस, आपको दिखाया था इसका फार्मूला है मुझे उसका इतना रिच फार्मूला नहीं लगा कुछ टाइम के बाद ये थोड़ी सी ड्राई भी हो जाती है ठीक है मेरी तरफ से ये दोनों रेकमेंडेड है लेकिन ये ज़्यादा ज़बरदस्त इसका कलर लगा हर तरह के आप ड्रेसिंग पे इसको अप्लाई कर सकते हैं और मैं इन सब की जो डिस्क्रिप्शन है लिंक नीचे दे दूँगी डिस्क्रिप्शन में आप वहाँ जाके बाय भी कर सकते हैं और भी किसी किस्म की चीज़ का प्रोडक्ट्स का चाहे वो मेकअप से रिलेटेड हो या स्किन केयर से रिलेटेड हो आप रिव्यू चाहते हैं तो आप मुझे लिख के दें मैं आपको ज़रूर उसका रिव्यू दूंगी ओके जी यहीं पर करते हैं अपनी वीडियो को एंड चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें ओके जेला हाफिज़